गया क्या गांधी मैदान इलाका गेट नंबर 12। यहाँ पर कांग्रेस के एजेंट विंग जो संगठन है NSEY उसके कार्यकर्ता सड़क पर है, हाथों में तख्तिया है, तख्ती पर लिखा गया है छात्र विरोधी नरेंद्र मोदी, बाकी युवा मांगे रोजगार जैसे स्लोगन। और यहाँ पर पुलिस, भारी पुलिस बल तैनात है। योजना थी कि विधानसभा तक के कार्यकर्ता पहुंचेंगे, जो छात्र हैं वो पहुंचेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे, लेकिन रास्ते में इन्हें रोका गया और एक टकराव की स्थिति यहां पर देख सकते हैं कि उधर से छात्र अर्धनग्न अवस्था में भी कुछ छात्र वहां पर पड़े हैं और वहां से इधर आने की कोशिश, और इधर भारी पुलिस बल तैनात है जो इन्हें रोकने के लिए लगाई गई है। गाड़ियों से लगातार ऐलान किया जा रहा है कि अब जो कुछ कर रहे हैं वो गलत है, वो संवैधानिक नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस बल चारों तरफ से भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। बरौनी से कहेंगे कि गाड़ियां दिखा दीजिए पुलिस की, और जितनी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है उतनी ही उस साइड भी है। पटना के गांधी मैदान पर भी हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं छात्र संगठन और पुलिस कर्मियों के बीच हल्की झड़प होती हुई, देखिए लाठीचार्ज करने की कोशिश की जा रही है पुलिस कर्मियों के द्वारा, और ये बैरिकेडिंग तोड़ते हुए पुलिस कर्मी और छात्रों के बीच झड़प होता हुआ और ये लाठी चार्ज होता हुआ है। NSEY के छात्र संगठन है, लगातार उनको खदेड़ के भगा दिया गया है। ये छात्र संगठन बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर विधानसभा का घेराव करना चाहते थे, लेकिन पटना के गांधी मैदान के पास ही भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद। क्या इन लोगों ने भलमन साहब का जवाब दिया लाठी से, जो रोजगार मांग रहे थे युवा उनको लाठी से खदेड़ दिया, जो इनका जन्म सिद्ध अधिकार है सत्ता में आने के बाद वो कर रहे हैं, और लगातार वो लाठी बरसाने का काम कर रहे हैं। हमने भी कहा ये बैठे आप कितना लाठी मारना है मार लीजिए, और हम देखे कि कितना मार सकते हैं। हमने कहा दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। शर्म करो, शर्म करो, जहाँ मर्जी जितना मर्जी मारो, देख लो कितना दम है लाठी। पास ही दिखाइए क्या हुआ था। देखिए आज हम लोग पूरे बिहार NSY की तरफ से हम लोगों की एक शांतिपूर्ण मार्च थी, बिहार विधानसभा घेराव का हम लोगों ने मार्च किया था, शांतिपूर्ण तरीके से मार्च हम लोगों की चल रही थी। बिहार की ये जो गुंडे सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार ने, नीतीश कुमार की पुलिस ने हम लोगों को रोका है और हम लोगों को बुरी तरीके से जख्मी किया है। हम लोगों की मांग है नीतीश कुमार से, नीतीश कुमार हम लोगों को इस पुलिस गुंडे पुलिस से डरा नहीं सकती है। हम लोगों की संघर्ष जारी है और हम लोग अपनी संघर्ष को जारी रखेंगे। जब तक ये सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती है तब तक हमें अपना संघर्ष जारी रखेंगे। नीतीश कुमार की ये गुंडे पुलिस हम लोगों को डरा नहीं सकती। हमने अपना विरोध प्रदर्शन जताया है, शांतिपूर्ण तरीके से हमने अपना विरोध प्रदर्शन जताया है। अब पुलिस ने अपनी गुंडी तरीके से, गुंडई रवैये से आज हम जैसे कई छात्र छात्राओं को जो है गंभीर तरीके से जो घायल किया है। आप ये देख सकते हैं जिस तरीके से नीतीश की गुंडई पुलिस ने हम पे वार किया है, जिस तरीके जिस झंडे से हम पे वार किया है आप देख सकते हैं। जिस तरीके से मैं बिहार के 400 किलोमीटर किशनगंज, एक हमारा सबसे बिहार का आखिरी जिला है, नेपाल के बगल में है, मैं वहां से अपनी मांग को लेकर नीतीश कुमार की गुंडई सरकार और डबल इंजन की सरकार के विरोध में ये धरना प्रदर्शन में शामिल हुआ था। शांति तरीके से हम लोगों ने अपना धरना प्रदर्शन किया है और नीतीश की ये गुंडई पुलिस ने हम लोगों पे लाठी चार्ज कर ये एक मैसेज दिया है देश को कि ये सरकार जो है छात्र विरोधी है, ये सरकार जो है युवा विरोधी है, ये सरकार जो है नौकरी विरोधी है, और हमारी संघर्ष, हमारी लड़ाई, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ हम लड़ रहे हैं। आज हमने बिहार विधानसभा का घेराव किया है, आगामी 12 तारीख को हमारे नेता आदरणीय नीरज कुंदन जी के नेतृत्व में, हमारे नेता आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में हम लोकसभा का घेराव करेंगे और ये दमनकारी पुलिस हमें डरा नहीं सकती है। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSEY के द्वारा विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा गया था। हम सभी साथी नौकरी दो या डिग्री वापस दो के नारे के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान हमें मौर्या होटल के समीप रोका गया और हमारे साथियों को बुरी तरीका से इस दमनकारी नीतीश कुमार के सरकार द्वारा पीटा गया है। हमारे दर्जनों साथी घायल हैं और भगा भगा के पीटा गया है। हम लोग युवाओं के, छात्रों की हक की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं और छात्रों की लड़ाई को आगे रखने के लिए आज मेरा प्रदर्शन था, और हम इस दमनकारी सरकार के खिलाफ झुकने वाले नहीं हैं। हमारी ये लड़ाई अभी जारी हुई है, हम आगे भी बिहार के सभी छात्र छात्राओं के लिए, उनके नौकरी के लिए, उनके मान सम्मान के लिए संघर्ष करते रहेंगे। क्या लगता है नीतीश जी 19 लाख रोजगार का जो वादा किया था वो पूरा हो पाएगा, दे पाएंगे वो?
नीतीश कुमार ने 15 सालों में युवाओं और छात्रों को ठगने का काम किया है। आज उसी को लेकर हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है कि अब बहुत हो चुका, अब आपको हम छात्र और युवाओं को ठगने नहीं देंगे। उसी ठगने के कारण आज हमारे कई युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, पकौड़े तल रहे हैं। आज का हमारा जो धरना प्रदर्शन था वो शांतिपूर्ण था, लेकिन नीतीश कुमार के दमनकारी सरकार के द्वारा, पुलिसिया लोकतंत्र के द्वारा लाठी और डंडे से हम लोगों को रोकने का काम किया है। एनएसयूआई छात्र संगठन इससे डरने वाली नहीं है और आने वाले दिनों में पूरे जोरदार तरीके से बिहार में युवाओं के रोजगार के लिए आंदोलन जारी रखा जाएगा। कुछ दिन पहले माले के विधायकों को भी यहीं इसी जगह पे पीटा गया था, वो भी रोजगार की मांग कर रहे थे, तो क्या समझा जाए नीतीश कुमार के सरकार में रोजगार मांगना एक अपराध है? सबसे बड़ा सवाल है कि यह सरकार लोकतंत्र विरोधी है, यह सरकार युवा विरोधी है, यह सरकार छात्र विरोधी है, यह सरकार सिर्फ तानाशाह के बल पर बिहार को चलाना चाहती है। आप देखिएगा तो बिहार के युवाओं ने भी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम बिहार विधानसभा के चुनाव में किया था, लेकिन जोर तोड़ की यह सरकार चला रहे हैं और दमनकारी नीति यहाँ के युवाओं, छात्रों, गरीबों, महिलाओं अत्याचार कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा, अभी भी कहा, यह लड़ाई अभी जारी हुई है और आगे यह लड़ाई जारी रहेगी। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं अब लोगों को रोजगार मिले, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने जो वादा किया है वो वादा पूरा करना चाहिए। जी बताइए। इस कांग्रेस से मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, बनारस से, काशी विश्वनाथ की धरती से मैं आता हूँ उत्तर प्रदेश से। और पटना में एक छोटा सा कार्यक्रम था हमारा, एक एनएसवाई का कार्यक्रम, बिहार की राजधानी पटना में प्रस्तावित हुई और कार्यक्रम हुआ, चला। यकीन मानिए एनडीए की जो सरकार है, जो छात्रों पर जो लाठी चार्ज कर रही है और दबाने का जो काम कर रही है उत्तर प्रदेश और बिहार में और सारे राज्यों में, देश भर के जो लोकतंत्र विरोधी जो रवैया अपनाया जा रहा है, यकीनन तौर पर आदरणीय राहुल गांधी जी की जो सोच है, जो विजन है युवाओं के प्रति, किसानों के प्रति, महंगाई के प्रति और जो हमारे जो निम्न क्लास के जो लोग हैं उनके जो प्रति जो उन लोगों का रवैया है, बिल्कुल ये खत्म से परे है। यकीन मानिए बिहार सरकार ने एनएसवाई पर, जो राष्ट्रीय छात्र संगठन पर जो लाठी चार्ज किया है, उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से उनको मरहम लगाने का काम कोई कुछ नहीं, एनडीए सरकार ने गलत काम किया। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय पलटू राम जी, वो भागने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र विरोधी दबाने का काम कर रहे हैं। लोकतंत्र है तो आप और हम हैं, अगर लोकतंत्र नहीं है तो हम लोग नहीं हैं। यकीन मानिए एनडीए सरकार ने, आदरणीय नीतीश कुमार की जो सरकार है वो लगातार कुचलने का काम, एनएसवाई कार्यक्रम दबाने का काम वो किया है। इसी बात को लेकर हमारे जो सारे छात्र, हमारे इकाई के लोग हैं, जो पटना शहर से हैं, जो बिहार के सारे जो क्षेत्रों से जो आए हुए हैं, बिहार के एक ऐतिहासिक सरजमी से, यकीन मानिए कि एनडीए सरकार ने बहुत गलत काम किया है। हमारा एक लोकतंत्र में अपनी बात को रखने का। ठीक है। मैं आलोक कुमार झा, मधुबनी जेएन कॉलेज प्रेसिडेंट। जिस प्रकार से हमको मारा गया, छात्र के लिए आवाज उठा रहे थे, बहुत दुखद है। आज लग रहा जैसे देश में प्रजातंत्र समाप्त हो चुका है। जिस प्रकार से कोई आवाज उठाता है, पुलिस प्रशासन के द्वारा उस पर लाठी डंडा चलवाया जा रहा है। देश किस दिशा में जा रहा है वह किसी को पता नहीं है, लेकिन सरकार कहते हम विकास करते, किस क्षेत्र में विकास किए हैं? हम सरकार से पूछना चाहते हैं, जो छात्र देश का भविष्य होता है उस पे आप लाठी डंडा चलवाते हैं, इस किस चीज का विकास करते हैं? इसीलिए सरकार को कहते हैं, जिस प्रकार से आपका पुलिस प्रशासन हम छात्र भाइयों के ऊपर लाठी डंडा चलाया है, इसके लिए पूरे बिहार से लेकर भारत देश तक, क्या कर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कलकत्ता, हर जगह बहुत बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। यही बात कहकर अपना वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। ये थे एनयूआई के छात्र संगठन, जिनका साफ साफ कहना है कि नीतीश कुमार की सरकार छात्र विरोधी सरकार है, गुंडागर्दी वाली सरकार है।